हाय गुड मॉर्निंग। दिन के 6 बजे 5:55 कितनों कोशिश कर लो यार, मतलब लेट हो ही जाता है। मतलब अब लेट हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई सुबह निकलना ही छोड़ दो, तो लेट ही सही, टालना तो बनता है यार। डेली तो लेट होता ही था पर आज तो अति हो गया। कहने का मतलब आज निकले ही 7 बजे और अभी 8 बजे तक फिर हाँ तो आएगी। सुबह के 5:40 हो रहे हैं और आपका भाई रोड पे है। 5:40 होना कोई बड़ी बात नहीं है, कहने का मतलब डेली तो लेट होता ही है बट रात में 2 बजे सो के 5:40 में रोड में, वाह वाह वाह। और सीन कुछ ऐसा है तो भाई ये वो फील्ड है जहाँ आपके भाई ने 2 राउंड मारा और ये हालत है, एकदम बॉयलर हो गया यार। ये तो राउंड मारने का हो गया और कुछ आगे चला जाए थोड़ा और मोरवादी का आनंद दिया जाए। यार 6 बजे और अभी का कुछ ऐसा नजारा है। वैसे यार आज से बच्चे लोगों का स्कूल खुल गया, यानी का मतलब गर्मी छुट्टी खत्म, तो भाई जितना लेट निकलना होगा उतना शर्म आएगा कि भाई बच्चे लोगों स्कूल जाने को तैयार है और बंदा अभी सो उठ के जॉगिंग के लिए निकला है। यार 6:40 हो रहा है और फिलहाल आपका भाई पार्क पे ऐसे मोरवादी में तो और भी पार्क है, कहने का मतलब ऑक्सीजन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और ये रामदयाल सिंह मुंडा पार्क। और ये पार्क तो अब लगता है जंगल बना हुआ है। यार ऐसे देखा जाए तो जॉगिंग करने वाले लोग के लिए मोरवादी जन्नत है। मोरवादी में वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो जॉगिंग करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर किसी को एकांत खाली जगह पार्क में घूमना, मतलब पार्क में जॉगिंग करना है तो 3 से 4 पार्क है। और पार्क के अंदर देखा जाए तो फील्ड अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है, बच्चों लोग के लिए झूला अवेलेबल है और जिनको पैदल चलना है पार्क में भी हो जाता है ऐसे, नहीं तो लंबा चौड़ा सड़क है, 1 राउंड मारू और 2.5 किलोमीटर का फासला 1 राउंड में, तो पता चल जाता है कि आज कितना चलना हुआ है। और मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ मोरवादी पर ही रहता है। और भाई से पूछा कि क्या क्या मैंने किया, तो ऐसा डेली का रूटीन है मोरवादी का, 1 राउंड नहीं 2 राउंड पूरे मारना जो कि 5 किलोमीटर होता हो जाता है। अगर एक भी मारूं तो भी घर से निकल के 5 किलोमीटर पैदल चलना हो ही जाता है और फील्ड में 2 राउंड मारना मतलब 800 मीटर और थोड़ा बहुत उछल कूद, इसके अलावा कुछ नहीं, उसके बाद रिटर्न हो जाना। कुछ डेली का फिलहाल तो ऐसा ही रूटीन है यार। बॉयलर है यार, पसीना का कितना बहाऊंगा यार। 7 बजने को आया, अब घर निकलना चाहिए तो चलता हूँ घर। तो फिलहाल आपका भाई है घर पे और ऐसे कुछ कर नहीं रहा है, एक ही काम तो बचा हुआ है यार गर्मी में, सोना ऐसा ही ना कुछ यार, गर्मी ही इतना है। तो ऐसे मैंने जॉगिंग से आने के बाद किया क्या, ऐसा कुछ किया नहीं। आने के बाद फ्रेश हुआ, मम्मी को ऑफिस छोड़ा, उसके बाद घर में आने के बाद सो ही रहा हूँ और फिलहाल अभी आपके साथ। ऐसे कुछ दिन से सोच रहा था कि यार मैं डेली निकलता हूँ और सुबह क्या एक्सक्यूजेस देता हूँ, तो सोचा क्यों ना
रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो यही मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि भाई सुबह उठना और बोलना क्या तो बस एक ही रिजल्ट निकल के निकला, लेट 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 लेट। वाओ, मतलब डेली लेट होने का रूटीन तो बना ही हुआ रहता है। तो ये तो थी भाई अभी आपने देखा अभी आज की कहानी। तो पिछले 2 दिन मैंने जॉगिंग पे जाके क्या बकरबाजी किया ये देखना तो बनता है। तो चलते हैं देखने। यार सुबह के 6:30 बजे और फील्ड में मैंने कितना जगह दो राउंड मारा। तो फील्ड में दौड़ना और रोड में दौड़ने में काफ़ी अंतर है, तो रोड में भी दौड़ के आनंद लिया जाए। मौसम देख के लग रहा है पानी आने को है, 7:45 हो चुका है। ऐसे हमें ज्वाइन किए हैं मिस्टर सुनील, ये तो हमसे भी लेट रहते हैं, हम 6 ये 7:45 और फिलहाल पैदल चलना होता है, दौड़ना हो गया। यार गर्मी की छुट्टी में मॉर्निंग वॉक का मजा ही कुछ और रहता है। यार मोराबादी का तो नज़ारा ही एकदम अलकल मतलब अलग रहता है। वैसे अभी हम लोग परिभ्रमण पथ पे हैं, मोराबादी पे आने पर एक फायदा है यार, जितने लोग हैं उतने पार्क हैं, मतलब यहाँ 3 से 4 पार्क हैं जो कि, और तीनों पार्क में भीड़ वैसा ही है। हम लोग अभी चिल्ड्रेन पार्क में और सुबह का कुछ ऐसा नजारा रहता है, मतलब इधर बैडमिंटन खेलते हैं, उधर पार्क है, झूला है, ये दिखा इधर लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, पीछे चिल्ड्रेन पार्क है जहाँ बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। यार झूलन ऐसे सुबह आने पर पता है क्या दिखता है, यहाँ पर बच्चे तो कम दिखते हैं पर ये चिल्ड्रेन पार्क में बड़े लोग खेलते हुए कुछ ज्यादा नजर आते हैं, गलत बात। जॉगिंग करने पर टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। कहने का मतलब यार 7:45 होने को आया अभी तक पार्क के अंदर ही